नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, कल हम लाइव थे तो उसमें आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर कर दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रह गए थे। जैसे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, हमारा फाइनल ईयर में बैक भरी हुई थी, हमने फाइनल ईयर की, तो उसके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, फाइनल ईयर की बैक के पेपर बिल्कुल होंगे। जब फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे उसी के साथ में बैक और एक्स के फॉर्म आपके भरे गए होंगे, तो उनके भी एग्जाम उन्हीं के साथ में कराए जाएंगे। यानी कि फाइनल ईयर के जब आपके एग्जाम होंगे तो उसी में आपका रेगुलर बैक, एक्स, प्राइवेट सभी के एग्जाम तभी होने वाले हैं। और जो हमारे एग्जाम है, एग्जाम की उम्मीद लगाई जा रही है कि आपके एग्जाम जुलाई में कराए जाएंगे। यानी कि जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स है, सेमेस्टर मोड का है या आपका ईयरली मोड का है, तो जो आपके एग्जाम की उम्मीद लगाई जा रही है वो जुलाई में लगाई जा रही है। यानी कि जो आपके एग्जाम है जुलाई में होने वाले हैं। दूसरा है, बच्चे अपने प्रमोट को लेकर काफी चिंतित हैं, यानी कि जो भी आपका कोर्सेज है, सभी कोर्सेज वाले बच्चे और आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे, तो उसका भी क्या डिसीजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ में शेयर करनी है। सबसे पहला है, यूपी में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई थी, तो उसके लिए नया बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप टारगेट विद गुरुजी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है, और पूरी कंप्लीट क्लासेस आपको दी जाएंगी। आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको भी यूपीएसआई या एसएससी जीडी की तैयारी करनी है या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप आ सकते हैं टारगेट विद गुरुजी चैनल पर। उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर चैनल पर जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से क्लासेस वहां पर स्टार्ट होने वाली है। दूसरा है, यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आपके लिए मैंने जो लर्निंग विद अर्निंग चैनल पर प्रोग्रामिंग क्लास स्टार्ट की हुई है, वहां पर सी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है, तो आप आ सकते हैं लर्निंग विद अर्निंग चैनल पर। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड, यदि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई भी कोर्स सीखना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप आ सकते हैं लर्निंग विद अर्निंग चैनल पर। तीसरा, यदि आप जो है बर्थडे में अपडेट डालता हूं फेसबुक पेज पर, जितने भी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है शिक्षा जगत से रिलेटेड, चाहे वो आपका जॉब को लेकर हो, चाहे वो आपका जितने भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है, उनको मैं अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करता हूं, तो आप फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी अच्छे लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाकर उनको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिसके लिए लाखों बच्चे परेशान हैं कि प्रमोट को लेकर के प्रमोट होंगे या एग्जाम होंगे, तो अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो उसको लेकर भी स्टूडेंट काफी परेशान है। न्यूज़पेपर, जो यूट्यूब चैनल डेली के आज बताया जाएगा, आज कंफर्म हो जाएगा, ये हो गया, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो मैं पहले से आपको कहता रहा हूं कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, अपनी स्टडी करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जो चांसेस है वो 99% यही है कि प्रमोट किया जाएगा। कल हो सकता था डिसीजन आना था, लेकिन डिसीजन नहीं आया, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें भी कोई डिसीजन नहीं निकला। आज फिर से एक मीटिंग है, यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, उनके साथ में जो उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ में, उनके वाइस चांसलर के साथ में आपकी ऑनलाइन वेबिनार है। अब देखना यह होगा कि उस पर क्या डिसीजन आता है, क्या वो डिसीजन लेती हैं। तो उम्मीद यही है कि आपका अभी भी, क्योंकि आज वो वेबिनार होने के बाद में एक या दो दिन का मंथन किया जाएगा, तो अभी एक से दो दिन अभी टाइम और लगने वाला है, लेकिन चांसेस यही है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, सिर्फ एग्जाम जो होने हैं फाइनल ईयर के होने हैं, तो चांसेस पूरे पूरे यही है। तो साथियों, यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है या आपको कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।